अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर इकबाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो है फ्लोट स्विच लेके आया हूँ। फ्लोट स्विच किस तरह काम करता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सर्किट कैसे होता है। तो फ्लोट स्विच, इससे पहले कि मैं फ्लोट स्विच के बारे में आपको बताऊँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आ आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्लोट स्विच जो होता है, ये फ्लोट का मतलब ये तैरने वाला स्विच, माया का जो माया की सतह के साथ ये जो है तैरता हुआ नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, ठीक है। तो नीचे जाने पर यह सर्किट को ऑन कर सकता है, ऊपर आने पर यह सर्किट को ऑफ कर सकता है। तो इसको हम अपनी जो है टैंकी, पानी वाली जो टैंकी होती है उसकी मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसको अपनी टैंकी की मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जो है फ्लोट स्विच है। आप देखें यहाँ पर 15 एम्पीयर तक ये बर्दाश्त कर सकता है, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 15 एम्पीयर तक का ये फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच जो होता है इसको आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर के जरिए कि इसमें से तीन तारें बाहर आ रही होती हैं। आप देखें कि ये इसमें से तीन तारें बाहर आ रही होती हैं, रेड, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक जो होती है ये कॉमन होती है, यहाँ पर आप लाइन या न्यूट्रल दे सकते हो। ब्लू और रेड, ब्लू जो है जब ये फ्लोट स्विच की पोजीशन ऐसे पानी के साथ ये नीचे जाता है, ये इसके साथ जो है वेट होता है, वेट इसको इसकी पोजीशन को इस तरह रखता है। तो ये जैसे ही नीचे जाकर आप देखें, ये जैसे ही नीचे जाता है तो आवाज़ करता है, तो ये सर्किट को ऑन कर देता है। ये जो है नीचे जाता है तो जैसे ही आवाज़ आती है तो ये ब्लू जो वायर है इसको कॉमन के साथ जोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ से लाइन जो है मोटर को मिलना शुरू हो जाती है, मोटर हमारी ऑन हो जाती है। मोटर ऑन होती है तो पानी जो है इसमें आना शुरू हो जाता है टैंकी में। जब ये देखें, जब ये ऊपर वाले पोजीशन पर पहुँचता है, आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ ये ऊपर आता है, ऊपर आता है, तो आप ये आवाज़ सुने। ये जैसे ही ऊपर आता है तो ये जो है ब्लू से काट कर कॉमन को रेड के साथ जोड़ देता है। क्योंकि रेड के साथ हमारा कोई सर्किट नहीं होता, इसलिए रेड को, रेड के ऊपर जो है टेप लपेट देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जैसे ही ये इससे कट होगा तो मोटर की सप्लाई कट जाएगी, मोटर की सप्लाई कटेगी, मोटर ऑफ हो जाएगी, तो हमारी टैंकी उस वक़्त भर चुकी होगी यहाँ पर, तो मोटर ऑफ हो जाएगी। फिर दोबारा जब ये नीचे आएगा तो ये मोटर को ऑन करेगा। ये सिंपल इसका है। बड़ी मोटरों के लिए, अगर थ्री फेज मोटरों के लिए इसको यूज़ करना है तो उसके लिए भी मैं सर्किट बनाऊंगा, वो उसमें मैग्नेटिक कंडक्टर भी यूज़ किया जाएगा। तो आप देखें कि ये मेरे पास फ्लोट स्विच है, मैं इसको किस तरह चेक कर सकता हूँ कि इसकी कॉमन कौन सी है। यहाँ पर आप देखें इसमें से तीन तारें बाहर आ रही हैं, एक ब्लू है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो ब्लैक इसकी कॉमन किस तरह होती है, कॉमन को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ये मेरे पास मल्टीमीटर मौजूद है, यहाँ पर आप देखें इसे मैंने कंटिन्यूटी पे रखा है। तो ये एक मैं इसकी कॉमन कॉमन तार पे लगा रहा हूँ, एक तार पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी लीड जो है मीटर की, वो मैं रेड और ब्लू के ऊपर लगाऊंगा। ये रेड के ऊपर आप देखें, ये देखें मीटर कंटिन्यूटी दे रहा है, इसके साथ भी दे रहा है। और ये दूसरी पोजीशन पर अब ये ब्लू के साथ भी कंटिन्यूटी देगा, देखें। तो दोनों के साथ जो है मीटर, जब एक तार को कॉमन रख के दोनों के साथ जब ये आप इसको चेंज करते हैं तो मीटर कंटिन्यूटी देता है, तो वो वाली कॉमन होगी। ये निकाली ब्लैक तार जो है इसकी कॉमन है,
और ब्लू तार जो है ये इसकी निचली साइड पे जाके ऑन होती है, ऑन करती है, और ऊपर वाली साइड पे आके ये रेड के साथ कामन जो है जुड़ती है। तो रेड को जो है वो टेप कर देना चाहिए ताकि ये सर्किट से निकल जाए। आप देखेंगे मैं एक लैंप को जोड़ के फ्लोट के साथ इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ। अभी आप देखें इसका मैंने कनेक्शन कर दिया, ये आप मेरी टैंकी भर चुकी है, ये फ्लोट ऊपर की तरफ है, तो मोटर मेरी जो लैंप है ये ऑफ ऑफ आपको नज़र आ रहा है। जैसे ये नीचे जाती है आप देखें तो जैसे ही आवाज़ आएगी ये टैंकी की पानी की सतह के साथ साथ ये नीचे जाएगी, और ये देखें मोटर ऑन हो गई। फिर मोटर ऑन होगी तो पानी भरता जाएगा, ये ऊपर आती जाएगी, ऊपर पानी की सतह के साथ साथ ये वेट के ज़रिए इसको सेट कर दिया जाता है। जैसे ही ये एक ख़ास सतह पर पहुंचेगी मोटर को ऑफ कर देगी। ठीक है, ऑन ऑफ। तो इस तरह ये जो है हमारा पानी ज़ाया नहीं होगा अगर हम ये लगा लें। ये बाज़ार में से 500 की मिल जाती है, बहुत अच्छी किस्म की है, फ्लोट स्विच है और बहुत ही आसान इसका कनेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है मेरी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।